money blocks release, motivation, goal accomplishment, mind body soul power healing, stress, anger management, relationship healing, behavioral healing, emotional freedom counseling, energy balancing, reconnective healing, and many more services under one roof. Also a dealer of Himalayan rock salt lamp. Meet to Aarshiya Seyth. Interviewed on DD National. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम दिल से में। कई बार हम अपने जीवन में कई तरह की बीमारियों और चिंताओं से दो चार होते रहते हैं, जिसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक। और इससे इतर हम कई तरह की थेरेपीज भी कराते हैं, जैसे आपने सुना होगा रेकी, साउंड थेरेपी और प्राणिक हीलिंग। लेकिन आज हम एक अलग तरह की थेरेपी, एनर्जी हीलिंग के बारे में जानेंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ है हमारी मेहमान आर्शिया सेठ। एनर्जी हीलिंग करने के बाद कुछ परिवर्तन आया होगा? कई वो चीज़ें दिखी हैं जो शायद मैंने सोची भी नहीं थी। अपने आप रास्ते बनते चले गए और मैं इस पर चल पड़ी और आज मैं यहाँ हूँ। तो नमस्कार आर्शिया जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो नई तरह की थेरेपी है, इसके बारे में आप बताइए कि ये क्या थेरेपी है और किस तरीके से ये हम लोगों के काम आती है, हम लोगों के जीवन को बदलने में। सो एनर्जी हीलिंग थेरेपी तो कई सारी हैं और हमने उनमें से कई के नाम भी सुने हैं, जैसे कि रेकी है, प्राणिक हीलिंग है या साउंड थेरेपी है। जिस थेरेपी की आज मैं पर्टिकुलरली बात करने जा रही हूँ, उसको कहते हैं एक्सेस कॉन्शियसनेस बार्स। मेरे ख्याल से मैं इसे थेरेपी भी नहीं बोलना चाहूँगी, बल्कि ये एक जीवन शैली है, एक जीवन जीने का नया तरीका है। इट इज़ अ वेरी प्रैग्मेटिक वे ऑफ लिविंग लाइफ विच हैज़ नेवर बीन इंट्रोड्यूस्ड टू अस। हमें किसी ने पहले इसके बारे में बताया नहीं है। मैं एक थेरेपी की जगह इसको एक जीवन, नई जीवन शैली बुलाना चाहूँगी। ये जो अलग तरीके की थेरेपी है, एनर्जी हीलिंग थेरेपी, ये किस तरीके से काम आती है, किस तरीके से ये लोगों के जीवन को बदलने में काम आती है? ये कैसे किसी के काम आ सकती है, वो ये है कि ये आपके पूरे जीवन जीने का तरीका बदल देती है। जब आप इसे अपनाते हैं अपनी लाइफ में, तो आप एक नए जीवन जीने का तरीका अपना लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। सो जैसे कि थेरेपी तो उसे बोलते हैं कि आपके लाइफ में कोई इशू आया है या प्रॉब्लम आई है या किसी चीज़ से आप पीड़ित हैं, और फिर आप उसके इलाज के लिए जाते हैं और उसे ठीक करने के लिए, उसके सोल्यूशन के लिए आप अलग अलग जगह जाते हैं। ये वो चीज़ है जहाँ पर आप उस तरह से जीवन जीने की शैली को ढाल लेते हैं कि फिर आपको कोई समस्या नहीं लगती है, प्रॉब्लम का रूप वो नहीं लेती है। एंड अगर कोई चीज़ आपके सामने कभी आती भी है, तो आपको पता है कि इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हम लोगों के जीवन में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है, चाहे वो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, और आजकल जो ये भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें तो है ही। जैसे कि आज आपने बताया डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये डे टू डे प्रॉब्लम्स है। चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो एक कॉरपोरेट में काम करने वाला इंसान हो, इवन बच्चे, स्टूडेंट्स, बिकॉज देर इज़ अ प्रेशर विच इज़ कमिंग फ्रॉम समवेयर, चाहे वो कोई भी इंसान हो। सो एज इस थेरेपी की या इस जीवन शैली को अपनाने के लिए कोई एज बैरियर नहीं है। किसी भी एज का इंसान, चाहे वो 8 साल का हो या 80 साल का हो, एनी बडी कैन स्टार्ट लिविंग दिस न्यू प्रैग्मेटिक वे ऑफ लाइफ विच इज़ कॉल्ड एक्सेस कॉन्शियसनेस। अब मैं अपनी बात करूँ कि मुझे किसी बारे में चिंता है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या आप सजेस्ट करेंगे? सो मैं सबसे पहले आपको ये बोलूँगी कि आप अपने आप से भी सवाल करें। सवाल वो ज़रिया है जो हमारे जीवन के बहुत सारे अनेक पहलुओं को खोलता है।
कि आप सवाल करें और फिर पूरा ब्रह्मांड है आपको जवाब देने के लिए और आपके समक्ष वो चीज़ें अपने आप आएंगी जब आप सवाल करेंगे। अब जैसे कि आप पर्टिकुलरली बात कर रही हैं स्ट्रेस डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, तो वो स्ट्रेस डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी एकदम से नहीं आती है, वो बिल्डअप हो रही है धीरे धीरे और फिर जाके वो एक स्टेज पर हमें सामने दिखती है और हमें तब समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो मे बी यू समबडी वॉन्ट टू रन टू अ साइकियाट्रिस्ट और टू एनी पैथोलॉजिस्ट कि अब हमें दवाई लेने की ज़रूरत है, पर उस समय पे जब ये धीरे धीरे बिल्डअप होना शुरू हुई थी तब हम सवाल करके इसे कैसे नियंत्रण में कर सकते थे। एक वो तरीका है जो एक्सेस कॉन्शियसनेस बार्स की वर्कशॉप में पूरी तरह से सिखाया जाता है और वो 32 बिंदु एक्सेस बार्स जो आपके सर में हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज एवरी पॉइंट एवरी बार दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट बार इज़ अ पॉइंट corresponds to one area of your life. तो ये जो 32 points की आप बात कर रहे हैं कि हर किसी के brain में होते हैं, it is on head not in the brain. ये जो therapy आप कराती है या जिसको आप healing कह रहे therapy ना कहते हुए, तो कैसे आप 32 point को कैसे आप समझेंगे कि ये आपके point है, इनको आप इस तरीके से ध्यान देंगे तो ये आपका जो anxiety है या stress है ये कम हो जाएगा। 32 बिंदु जिनके बारे में बात कर रही हूँ इसकी तो पूरी एक वर्कशॉप है, पर अगर समझिए कोई वर्कशॉप नहीं भी लेना चाहता है तो एनर्जी हीलिंग जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है एनर्जी की एक जो एक तरह से फ्लो हो रही है उसके फ्लो को बदलना। सो समझिए अगर कोई स्ट्रेस में है या एंग्जाइटी में है, डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, डिफीटिंग थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव हम बहुत बातें करते हैं, सो पहले जो साइकिल है थॉट्स की उसको ब्रेक करना, पहले हमें इस बात का स्वयं रियलाइजेशन होना कि हाँ मैं नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ या मुझे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। आप करके देखिए, मैं ये सुझाव सबको देना चाहूँगी कि जब कोई चिंता वाले या टेंशन स्ट्रेस एंग्जाइटी वाले थॉट्स आते हैं सो कुछ क्षणों के लिए वहीं रुक जाइए और बस ऑब्जर्व करिए कि आपकी ब्रेथ कैसी चल रही है और उससे काफ़ी कुछ आपको पता लगेगा। जैसे ही आपका पूरा अटेंशन आपकी ब्रेथ पर जाएगा आप उसी समय उन नेगेटिव थॉट्स को वहाँ पे कट कर देंगे और वहाँ से सिर्फ आपको सवालों की ओर बढ़ना है। सवाल जैसे ऐसा क्या मैं बन सकता हूँ या बन सकती हूँ कि मेरे जीवन में सहजता आए आनंद आए। बेसिकली आनंद और जॉय की कमी है इसीलिए वो स्ट्रेस एंग्जाइटी और डिप्रेशन में वो इंसान है। हम बच्चों की बात करें ट्वेल्थ में होते हैं टेंथ में होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होता है स्टडीज़ का और कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, तो आप कैसे उनकी हेल्प करेंगे, उन बच्चों को कैसे हेल्प करेंगे? मैं बिल्कुल ये सजेस्ट करती हूँ, इनफैक्ट एग्जाम टाइम्स में मैं जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या जो भी मेरे पहचान के लोग हैं मैं उनको बोलती हूँ कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को या जो भी हैं यंगस्टर्स जिनके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनको भेजिए सेशंस के लिए। मैं है मेरे कई और कोलीग्स हैं हम लोग ऑफर करते हैं सेशंस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सो दैट उनको उस टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम पे ईज आए, क्योंकि प्रेशर तो बिल्डअप हो रहा होता है, कई सारी घर वालों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपको ग्रेड्स अच्छे लाने हैं आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है। कई बार बोली जाती हैं ये एक्सपेक्टेशंस, कई बार नहीं बोली जाती हैं पर एक्सपेक्टेशंस होती हैं और उसकी एनर्जी वो बच्चे पकड़ लेते हैं। एनर्जी एक्चुअली बोली ना भी जाए तो एनर्जी है, ऊर्जा से कोई बच नहीं सकता, तो वो बच्चे उस एनर्जी को कि हाँ घर वाले हमसे क्या उम्मीद रखते हैं उसको पकड़ लेते हैं। सो वो एक प्रेशर जो बिल्डअप हो रहा होता है उस केस में मैं बोलती हूँ बिल्कुल इस थेरेपी को आके लें एक्सेस बार्स की एंड सवाल करें। सवाल ये हाउ कैन आई हैव ईज विद माई एग्जाम्स, वॉट वुड इट टेक फॉर मी टू हैव ईज एंड जॉय विद माई एग्जाम्स। बेसिकली सहजता और आनंद एग्जाम से या किसी भी टेस्ट या किसी भी परीक्षा संबंधित चीज़ से इसलिए जुड़ा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं। हम एग्ज़ाम इसी उद्देश्य से देते हैं कि हमें इसमें फर्स्ट आना है या नंबर वन आना है। हाँ, और कंपटीशन का ये ज़माना है सो वो एक अपेक्षा और एक्सपेक्टेशन हर जगह होती है। अब वो एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे बिल्डअप होती है क्योंकि घर में जितने लोग हैं उन सबकी एक एक्सपेक्टेशन है, आपके टीचर्स की एक्सपेक्टेशन है, आपके फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशन है, तो वो धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन जो बिल्डअप होती है कई लोग उससे कोप अप नहीं कर पाते हैं एंड दे सी नाउ देयर इज़ नो वे आउट, उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तो जो आप केस बता रही हैं कि सुसाइडल केसेस सुनाई में पड़ते हैं कि या खुद ये अंदर बिठा लेते हैं, कंक्लूजन में आ जाते हैं या इस निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि
हम अच्छे नहीं हैं, ना हम पढ़ाई में अच्छे, ना हम किसी और चीज़ में अच्छे हैं, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स की, अपने घर वालों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर नहीं रहे हैं. अब वो जो थॉट्स आते हैं वो रुकते नहीं हैं. सो दैट लीड्स टू समथिंग लाइक सुसाइड. एनर्जी हीलिंग थेरेपी, ये आप कहाँ कैसे लोगों तक पहुँचाती है, कैसे उन्हें समझाती है, किस तरीके से, क्या वर्कशॉप्स करते हैं, ओरिएंटेशंस करते हैं, क्या करते हैं? जी बिल्कुल, वर्कशॉप्स, ओरिएंटेशंस, जगह जगह जाकर, जगह जगह इन द सेंस आई गेट इनवाइटेड टू द यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स, बिकॉज नाउ आई एम इनटू दिस वर्क फॉर अबाउट 10 to 12 years. सो पीपल नो एंड इट इज़ वर्ड ऑफ माउथ बेसिकली. जब किसी एक को फ़ायदा होता है तो फिर वो एक अपनी टेस्टिमनी देकर जाते हैं, कुछ लिख कर जाते हैं या कुछ बोल कर जाते हैं जब उनको फ़ायदा होता है. सो लोग वो सुनते हैं और वो जाके फिर अपने और परिचित लोगों से बात करते हैं. तो एक से दो, दो से तीन, ये चीज़ ऐसे वर्ड ऑफ माउथ फैलती है. एंड एक्सेस बार्स, डेफिनेटली इट हैज़ हेल्प्ड सो मेनी लाइव्स. एंड दिस इज़ द इंटायर कॉन्सेप्ट फ्रॉम USA. एंड द फाउंडर ऑफ एक्सेस कॉन्शियसनेस बार्स इज़ गैरी डगलस एंड द को फाउंडर इज़ डॉक्टर डेन हियर एंड दे आर फ्रॉम USA. And now it has been in 176 countries. So India में भी आके कुछ 5 से 6 साल हो गए हैं और अब काफ़ी प्रचलित हो गई है और लोग उसके फ़ायदे देख सकते हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुलाते हैं ये ओरिएंटेशन के लिए कि एक्चुअली क्या है. तो उसके बारे में हम, जैसे अभी मैंने रिसेंटली ही भोपाल में मध्यांचल यूनिवर्सिटी और रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में एक ओरिएंटेशन दिया था, अवेयरनेस टॉक दिया था और डेमो सेशन भी दिया था. सो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनके जो बिंदु सर पर हैं उनको टच कर रहे हैं और वो भी बहुत जेंटली. आपने कहा कि वो लोग उनके हेड के जो पॉइंट्स हैं उनको हीलिंग दे रहे हैं, उनको टच कर रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा होगा? सबसे पहले तो पूरी शरीर में बहुत रिलैक्सेशन फील होता है और फ़ायदे इस तरह के हो सकते हैं कि जो शायद शब्दों में मैं भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि हर बॉडी अलग है और हर लाइफ अलग है और वो किस तरह से ये सेशन फ़ायदा उनकी लाइफ में लेकर आएगा नोबडी नोस. इतने केसेस मैं अगर आपसे डिस्कस करूँ तो बहुत टाइम से समझिए माइग्रेन का था, वो ठीक हो गया है. कुछ भी बॉडी रिलेटेड इश्यूज़ हैं बार्स के कुछ सेशन करने से, एक्सेस बार्स के कुछ सेशन करने से वो चले गए हैं, या तो एक या दो सेशन में ही या कुछ 5-10 सेशन में पूरी तरह से चले गए हैं. कई केसेस में टर्मिनल डिजीजेस जैसे कि ट्यूमर है, कैंसर है, सेकेंड या थर्ड स्टेज, वो भी रिवर्स हुए हैं कई सेशंस लेने पर, मतलब 8 से 10 सेशंस लेने पर. तो वो कैसे, कब, किस रूप में फ़ायदा देगा ये तो कोई नहीं बता सकता, बट इट डेफिनेटली वर्क्स. एंड द फर्स्ट थिंग दैट द पर्सन, दैट द रिसीवर विल नोटिस इज इमेंस रिलैक्सेशन थ्रू आउट द बॉडी. सो दो पॉइंट्स तो सर पर टच करे जा रहे हैं पर पूरी बॉडी में रिलैक्सेशन पैरों तक समझ आएगा उनको. जब वो अपनी बॉडी में एक अजीब सा हल्कापन उनको लगेगा, ऐसा लगेगा कि बहुत सालों का एक बोझ उतर गया है. मैंने आपके सेशन के बारे में मीडिया में, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था. तो ये जो अभी इंदौर में आपने एक सेशन कराया था तो वो कैसा सेशन था, कैसे लोगों के काम आया? इंदौर में एक्चुअली मैंने पूरी वर्कशॉप की है एक्सेस, मैंने एक्चुअली 5 दिन की वर्कशॉप की है. तो एक्सेस बार्स की वर्कशॉप थी और उसके बाद जो एक्सेस कॉन्शियसनेस बार्स के बाद एक एडवांस कोर्स है द फाउंडेशन, जो कि 4 दिन का कोर्स है. जिन लोगों ने ये वर्कशॉप अटेंड करी उनको पहले दूसरे दिन से ही जो फ़र्क नज़र आने लगा, एक तो सोच का खुलापन, एक जो बहुत ज़्यादा लोगों को सोचने की आदत होती है ना, हमेशा सोच में रहते हैं, इतना सोचते हैं कि शायद रात में चैन की नींद भी नहीं ले पाते हैं. कई लोग हैं जो उनका दिमाग बिल्कुल शांत हो ही नहीं पाता है, कभी ये थॉट कभी वो थॉट. तो उन लोगों को एक बहुत, जब ये टूल्स उनके साथ शेयर करे गए ये 5 दिन की वर्कशॉप में, काफ़ी रिलैक्सेशन उनको, काफ़ी लाइटनेस, काफ़ी हल्कापन उनकी बॉडी में और इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर लेवल पे उनको काफ़ी हल्कापन और रिलैक्सेशन लगा और एक अजीब सा, एक अद्भुत सा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ कि अब हम हमारी लाइफ में सब कुछ चेंज कर सकते हैं. छोटा सा एग्जांपल दूं, डिजिटली हम सब साउंड है और हमें पता है, टेक्नोलॉजिकली हम सब गैजेट्स यूज़ करते हैं. सो हमारा कंप्यूटर जब अच्छे से काम नहीं कर रहा होता या हैंग कर रहा होता है तो हम एक एंटीवायरस चलाते हैं या उसको फॉर्मेट करते हैं. तो हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, उसकी हार्ड डिस्क को एम्प्टी कर रहे होते हैं कि वो जो एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स उसमें हैं वो
ज्यादा हो गए, उन्हें कम किया जा रहा है, उनको हटा रहे हैं और उसमें भी कैश फाइल्स आ गई हैं, वायरसेस आ गए हैं। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी वो प्रोग्राम्स जो कि कंडीशनिंग के थ्रू आ रहे हैं, जो हमारे लिए अब काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें हटाने का तरीका है एक्सेस बार्स विच एम्प्टीज योर फाइल्स। फाइल मतलब आपके लाइफ की जो फाइल्स हैं उनको एम्प्टी करके क्लीन स्लेट बना देता है, एक स्पेस बना देता है, जगह बना देता है। अब आप वो प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस डालिए जो आपके लिए काम करते हैं। आपके इस थेरेपी का अगर हम छोटा सा सारांश निकाले, कंक्लूजन निकाले, तो यही निकलता है कि आप अपने जो दिमाग में जो बोझ है उसको कम करें और खुशी से रहें, पॉजिटिव सोचें, यही। बिल्कुल, बोझ से ऑल्सो मेरा मतलब है कि कई बार हमारे जो दृष्टिकोण होते हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू जो होते हैं, जो फैमिली वालों से ही आ रहे हैं या जिन लोग जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, आसपास जो लोग हैं उनसे जो आ रहे हैं, वो ही हमारे लिए काम नहीं करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत यंग एज में बताया जाता है कि अच्छे से पढ़ो लिखो, अगर तुम्हें अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो तुम्हें अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, और जॉब नहीं मिलेगा तो तुम अच्छे से पैसे नहीं कमाओगे, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इस तरह के दृष्टिकोण। अब शायद पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये एक बिलीफ सिस्टम है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पर ये दृष्टिकोण उन लोगों का है, चाहे आप वो पेरेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों। आज जो जनरेशन है शायद उनके लिए ये काम नहीं करता, ये उनका सच नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जो जिनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और पैसा आराम से उनके पास आता है। सो ये एक बिलीफ सिस्टम है कुछ लोगों का, जो हम एक्चुअली पास ऑन कर देते हैं नेक्स्ट जनरेशन को, बट इट मे नॉट वर्क फॉर देम। सो वो जब आपके लिए कोई चीज़ सच नहीं है, वो आपके लिए झूठ बन जाती है, पर आप उसको पकड़ के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो वो वैसे भी बोझ है। सो उसको एम्प्टी करना, उस पॉइंट ऑफ व्यू को, उस बिलीफ सिस्टम को हटा देना, मतलब स्लेट साफ कर देना। अब जो उनका नज़रिया है, जो इस यंग जनरेशन का नज़रिया है, वो अपने हिसाब से वहाँ पे वो प्रोग्राम लिख सकते हैं जो वो चाहते हैं। तो ऐसा कोई टूल आप बताइए कि जो हमारे दर्शक भी जाने और वो लोग अगर अपने जीवन में उतारे तो उनके भी काम आए। मैं एक ऐसा टूल देना चाहूँगी आपको और आपके दर्शकों को, बस कई बार बोलने से, जैसे कि आप सुबह उठ के 10 बार बोल रहे हैं, शाम को 10 बार, सोने के पहले 10 बार बोल रहे हैं, और धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, बोलते रहें तो आप देखिए आपके लाइफ में बहुत आसानी हो जाएगी। एंड ये टूल है, मेरा संपूर्ण जीवन सहजता, आनंदमयी और महिमा पूर्ण रूप से आता है। ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईज एंड जॉय एंड ग्लोरी। बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है, बहुत जल्दी याद भी हो जाता है, ट्राई करके देखिए। आपकी आगे की जो प्लानिंग है, जैसे आपने कहा है कि मैं मध्यांचल गए और आप इंदौर भी गए, जैसे हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें, इसके अलावा आप पूरे देश में भी कहीं बहुत सी जगह जाती है, तो ऐसी कौन सी जगह गए और आगे की आपकी क्या प्लानिंग है कि कहाँ कहाँ आप और ये वर्कशॉप्स और ओरिएंटेशंस करने वाली है? एक्चुअली हर जगह जहाँ पे लोग सीखने को रेडी हैं इसे वहाँ ले जाना चाहूँगी। आप क्या इसके लिए कोई अपना प्रोग्राम शेड्यूल तय करते हैं कि आज हमें इस जगह पे जाना है, यहाँ ओरिएंटेशन देना है, यहाँ वर्कशॉप देनी है, किस तरीके से आप अपना प्रोग्राम तय करते हैं? लोग ढूंढ लेते हैं, बिकॉज कभी किसी ने वर्कशॉप करी है तो उन्होंने अपना एक क्लिप डाल दिया है, तो यूट्यूब से नंबर निकाल लेते हैं ढूंढ के, या किसी ने गूगल पे शेयर किया तो वहाँ से नंबर निकाल के फिर कॉल करते हैं कि हम ये सीखना चाहते हैं आपसे, एंड आप इस सिटी में कब आएंगी, या हम मुंबई आके सीख लें। सो बिल्कुल उस हिसाब से प्लानिंग होती है। आपने ये जो एनर्जी हीलिंग थेरेपी कहाँ आपने सीखी और कब आपके दिमाग में आया कि आपको इस और जाना है? इत्तेफाक बोल लीजिए, या इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। आई नेवर थॉट आई वुड बी इनटू एनी काइंड ऑफ एनर्जी हीलिंग और एनीथिंग टू डू विद दिस काइंड ऑफ थेरेप्यूटिक वर्क, बिकॉज अगर आप देखें तो इसमें कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट यू आर प्लेइंग विद द एनर्जीज एंड यू आर चेंजिंग, शिफ्टिंग द फ्लो ऑफ एनर्जीज। मैंने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की थी 10-12 साल पहले कि मैं ये काम करूँगी, बट आई थिंक अपने आप रास्ते बनते चले गए और मैं इस पर चल पड़ी और आज मैं यहाँ हूँ। इसके लिए आपने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर डिग्री कुछ लिया होगा आपने? यस, सो देर इज़ अ फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दैट यू डू विच आई हैव ऑल्सो अटेंडेड, एंड आई एम अ सर्टिफाइड फैसिलिटेटर फॉर एक्सेस कॉन्शियसनेस बार्स, एक्सेस एनर्जेटिक फेसलिफ्ट, द एक्सेस द फाउंडेशन, जो 4 दिन की एडवांस क्लास है जिसकी मैंने अभी ट्रेनिंग 1 महीना पहले ऑस्ट्रेलिया में ली है। सो आई एम अ सर्टिफाइड फैसिलिटेटर विद एक्सेस कॉन्शियसनेस,
And besides that also, I practice a lot of other modalities also. आपके भी जीवन में ये एनर्जी हीलिंग करने के बाद कुछ परिवर्तन आया होगा? बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया. कई वो चीज़ें दिखी हैं जो शायद मैंने सोची भी नहीं थी. उसका सबसे एक छोटा एग्जांपल ये लूँगी कि मैं आज आपके सामने यहाँ बैठी हूँ और ये इंटरव्यू दे रही हूँ, ये भी मैंने सोचा नहीं था. सो ये और इसके अलावा कई चीज़ें, जीवन को जीने का एक पूरी तरह से तरीका बदल चुका है. टेक एग्जाम्पल ऑफ एक्सेस कॉन्शियसनेस. एक्सेस कॉन्शियसनेस टीचेज यू, introduces you to live your life without using your mind. And बहुत अजीब लगा था ये सुनने में मुझे भी जब शुरू में मैंने इसके साथ अपनी शुरुआत की थी, कि जब आप चैतन्य हैं हर पल में और हर क्षण में, आपको ये पता है कि आपके अंदर कब वो नेगेटिव थॉट आ रहा है जो उस स्ट्रेस को या उस एंग्जाइटी को या उस डिप्रेशन तक आपको ले जा रहा है. जो सजग रहने की पावर है, जो सजग रहने की शक्ति है, चैतन्य रहने की जो शक्ति है, चेतना को जागर करने वही जगाने का वही जगाने का तरीका, इसीलिए मैंने बोला कि ये बिल्कुल अलग तरह की जीवन शैली है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने हमें अपना समय दिया और सजगता पूर्ण जीवन कैसे जिया जाए इसके बारे में आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. तो आज हमने हमारे जीवन में किस तरीके से सजगतापूर्ण जीवन जिए इसके बारे में बहुत सी जानकारी हासिल की.